छोटा नाम करके अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंख न करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाता है। बिरसा का जन्म कुंती जिला के उली हाथों में 15 नवंबर 1875 को हुआ। चाची चाची, बच्चे का नाम क्या है? बेटा, बृहस्पति के दिन पैदा होने के कारण क्यों ना हम इसका नाम बिरसा रखें? बिरसा, बिरसा मुंडा। बिरसा पढ़ाई में तेज था और यह देखकर उसका दाखिला मिशनरी स्कूल में करवा दिया गया, लेकिन वहां पढ़ने के लिए उसको जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। जैसे जैसे बिरसा बड़ा होने लगा, वह अंग्रेजों के अत्याचारों से परिचित हुआ और समझ गया कि अंग्रेज उनसे उनका जंगल छीनना चाहते हैं और ईसाई पादरी जंगल में रहने वाले सभी हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह सब देखकर बिरसा ने ईसाई धर्म त्याग दिया। मजबूरी में उनको धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इसके बाद बिरसा काम की खोज में गांव गांव बंटा। दौड़ बेड़े में काम करते समय उनका संपर्क आनंद पंडा से हुआ। आनंद पंडा से वह बहुत कुछ सीखे, जैसे प्रवचन, रामायण, महाभारत, भजन, कीर्तन। इससे उनकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा के सच्चाई और निष्ठा को देखकर आनंद पंडा बहुत प्रभावित हुए और इसीलिए उन्होंने बिरसा को कुछ मंत्र और पारंपरिक औषधि के बारे में सिखाया, जिससे उनके जनजाति का कुछ कम हो सका। इसका लाभ बिरसा को बहुत मिला और उन्होंने अपने लोगों की बहुत सेवा की। बिरसा एक अच्छे निशानबाज के साथ बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी थे। वह लोगों को समूह में परिवर्तित करते गए। बिरसा ने अपने विचारों से एक नए धर्म की स्थापना की। एक बार बिरसा को स्वप्न में दिव्य दृष्टि का अनुभव हुआ और उनमें अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। लोग उन्हें भगवान कहकर पूछने भी लगे। अधिक से अधिक लोगों का सेवा कर सको। और इस तरफ
अंग्रेजों का जुल्म आदिवासियों पर बढ़ता चला। मोंडाओं ने उलगुलन के द्वारा विद्रोह प्रकट किया, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। अंग्रेजों पर भारी पड़ गया। वह जंगलों से आते अंग्रेजों को खत्म करके गायब हो जाते। बार बार नहीं पैदा होते, हमें उन पर गर्व है।